चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये सिर्फ एक कुकिंग चैनल ही नहीं है, यहाँ पे मैं उन लोगों की हेल्प के लिए आई हूँ जिनको या तो सीलिक डिजीज है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन से एलर्जी है। मेरे इस चैनल पे आपको मोस्ट हेल्दी ग्लूटेन फ्री रेसिपीज देखने को मिलेंगी। आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और ग्लूटेन फ्री पूरी। तो चलिए देखते हैं आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत है और मैं कैसे बनाती हूँ। आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू हैं उबले हुए, जिनका छिलका उतार कर छोटे छोटे टुकड़े में काट कर ले लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका भी छिलका उतार कर टुकड़ों में काट लिया है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटी चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट, बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 3 हरी मिर्चें ली हैं जिसमें से 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और 2 साबुत ले ली हैं, 1 बड़ा चम्मच एवोकाडो ऑयल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, हींग और पानी। 1 बड़ा सा पैन ले लीजिए, गैस ऑन कर लीजिए, फ्लेम को मीडियम पे रखिए, उसके अंदर एवोकाडो ऑयल डालकर जब तेल गर्म हो जाए तो जीरा डाल दीजिए, जब जीरा चटकने लगे तो राई डाल दीजिए और साथ में हींग भी ऐड कर दीजिए। जब जीरा और राई अच्छे से भुन जाए तब उसके अंदर कटी हुई और साबुत हरी मिर्चें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा और चला लीजिए और साथ में कटे हुए टमाटर, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए चलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने दीजिए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें आलू, नमक और 4 कप पानी डालकर मिक्स करते हुए चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करते हुए ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकने दीजिए। दस मिनट हो गए हैं, सब्जी चेक कर लेते हैं। इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करते हुए दबा दबा कर, जो थोड़े बड़े आलू दिख रहे हैं उनको अच्छे से दबा दबा कर मैश कर लीजिए ताकि ग्रेवी और पोटैटो अलग अलग ना दिखें और एक रस हो जाए। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे और पका दीजिए। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें दोनों हाथों से रगड़ कर कसूरी मेथी मिक्स कर दीजिए और मिलाकर ढक्कन लगा दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। सब्जी बनके तैयार हो गई है। ग्लूटेन फ्री पूरी बनाने के लिए मैंने एवोकाडो ऑयल लिया है और उसको कढ़ाई में डालकर गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। ग्लूटेन फ्री आटा गूंद के मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था, जिसकी छोटी लोइयां बनाकर पूरी बेल के तैयार कर लीजिए। ग्लूटेन फ्री फ्लोर ब्लेंड भी मैंने घर पर बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी चैनल पर है। ग्लूटेन फ्री रोटी की रेसिपी चैनल पर है, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वही सेम आटा और डो मैंने ग्लूटेन फ्री पूरी बनाने के लिए यूज किया है, सो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये जो सूखा आटा मैं लगा रही हूँ ये है साबूदाने का आटा, इससे पूरी बहुत स्मूथ बिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं करना पड़ता। सो इस तरह की जिस भी साइज़ की पूरी आपको चाहिए उसे बेल के तैयार कर लीजिए, छोटी बड़ी जिस भी साइज़ में आपको चाहिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब पूरी को आराम से उठा कर तेल के अंदर डाल दीजिए और दोनों साइड से पलट पलट कर गोल्डन होने तक तल लीजिए। देखिए कितनी हेल्दी गोल्डन क्रिस्पी ग्लूटेन फ्री पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तलने के लिए भी जो हमने जिस ऑयल का यूज किया है वो भी बहुत हेल्दी माना जाता है। सो आप भी इस तरह पूरियाँ बनाइए, आप पूरियों को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, एलर्जी या सीलिक डिजीज है तो। सो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए और बताइए मुझे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आने वाली हेल्दी ग्लूटेन फ्री रेसिपीज देखने को आपको मिल सके। सो चलिए मैं मिलती हूँ नई किसी हेल्दी ग्लूटेन फ्री रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय।